the potential of hydrogen electrode at pH equal to 10 will be, तो रिएक्शन तो यही होगा, देखो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज हाफ एच टू, देखो इसने सिर्फ आपको पीएच दिया है, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिया, और इसका मतलब अगर जिसका जो नहीं दिया है वो स्टैंडर्ड होगा, टेम्परेचर भी नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है ना, इसका मतलब हुआ ई एच प्लस एच टू पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉस्ट इक्वेशन लिख रहे हैं इसकी हम, ई नॉट एच टू एच प्लस एच टू पी टी माइनस 0.0591 ओवर एन, एन कितना है 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड, प्रोडक्ट क्या है हाइड्रोजन, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 1/2 ओवर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अगर गैस दिया हो तो उसका प्रेशर लेना है और अगर आयन दिया हो तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब देखो तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट गिवन टू अस, तो इसको हम स्टैंडर्ड कितना होता है 1 एटमोस्फियर, स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1, तो ये 1 ले लेंगे, तो और ये वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी 0 माइनस 0.0591 लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है ना, क्योंकि लॉग ऑफ एच प्लस की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1, दैट मीन माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, सही है, और माइनस लॉग ऑफ एच प्लस क्या होता है पीएच, तो इसका मतलब माइनस 0.0591 इंटू पीएच, और पीएच अपनी 10 तो आएगा माइनस 0.591 वोल्ट, इसका मतलब बी ऑप्शन आएगा। अब ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमें ये देखना है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओके सेम क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी, और ये जी सेट का क्वेश्चन है, जी सेट 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप इन गुजरात, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनसीईआरटी का 3.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 3.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10, वही क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन आया हुआ, मैं सोचा था थोड़ा अलग होगा, सेम डन,